आज रुड़की गंग नहर कोतवाली में 18 अप्रैल 2018 को हुए नकली सिंह निवासी सलेमपुर के मर्डर का एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा 4 आरोपी धर दबोचे गए हैं। इसमें आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूलते हुए बताया कि उन्होंने ही नकली सिंह की हत्या की थी, जिसमें कुलदीप ने अपने साथी अंकित धीरेन्द्र गौरव शर्मा और अजय शुक्ला के साथ मिलकर योजना बनाकर नकली सिंह की हत्या की थी, जिसमें आज ठाट सिंह से अपने पैसे लेने उसके घर पर आए थे, जहां पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम स्टोरी के लिए नसीम मलिक की रिपोर्ट। 18/4 को सायंकालीन नकली सिंह के घर में घुस के कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसमें 4 मुजरिमों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें 3 व्यक्ति और प्रकाश में आए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन चारों में 2 व्यक्ति देवबंद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन पर पहले भी अपराध पंजीकृत हैं देवबंद थाना क्षेत्र से, और 2 लड़के उदलहेड़ी गांव मंगलौर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड मंगलौर थाना क्षेत्र के, जिन्हें 151 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मैनुअल सर्विलांस के थ्रू इनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तथ्यों को सही पाने के उपरांत इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने अपने जुर्म को कबूला और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कुल 3 लोग अभी ऐसे प्रकाश में आए हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, उन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसमें जो ठाट सिंह व्यक्ति है, जिनकी पुरानी रंजिश थी नकली सिंह से, उसने एक मर्डर किया था जिसमें ठाट सिंह के विरुद्ध गवाही देते थे नकली सिंह और उसे जेल कराया था। उसकी पुरानी रंजिश है, दोनों एक ही गाँव के हैं, उस कारण से उसने सुपारी दी इन 3 लड़कों को उसे मारने के लिए, जिसमें साजिश में कई लोग शामिल रहे। इस साजिश के तहत गौरव शर्मा का एक पिता, वो भी गिरफ्तार हुआ है, भालेंद्र नाम है उसका, और उसे भी आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।